स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज हिंदुस्तान में बहुत से लोगों के लिए टाटा सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, बल्कि भरोसे और विश्वास का प्रतीक है। आज हमारे देश में नमक से लेकर नैनो टेक्नोलॉजी तक टाटा ग्रुप लगभग हर जगह मौजूद है। 1868 में एस्टैब्लिश हुई ये कंपनी आज 150 से ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिलीवर कर रही है। अगर हम टाटा ग्रुप और उसकी सब्सिडरी कंपनीज के बिजनेस फील्ड की बात करें तो आज टाटा की प्रेजेंस ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर एयरलाइंस, बिजनेस, केमिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होम अप्लायंसेस, रिटेल, ई कॉमर्स, रियल इस्टेट, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, टेलीकॉम, टूरिज्म और डिफेंस सेक्टर तक मौजूद है। आज अगर बात इंडियन हाउस में इस्तेमाल किए जाने वाले फूड आइटम्स की हो या होम अप्लायंसेस की, टाटा ग्रुप अपने बेस्ट प्रोडक्ट के लिए आपकी सेवा में खड़ा है। आपको 500 रुपए की वॉच चाहिए या 50 लाख की लग्जरी कार, टाटा की मौजूदगी आपको हर जगह नजर आएगी। बात देश के लोगों को टेलीफोन के माध्यम से एक दूसरे के साथ जोड़ने की हो या देश के दुश्मनों को वेपन्स और मिसाइल्स के माध्यम से तोड़ने की, टाटा आपकी सेवा में हाजिर है। आज टाटा ग्रुप के पास हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के हर मर्ज की दवा है। वो कहते हैं ना, यू नेम इट एंड वी हैव इट। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो डिस्कशन हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और भरोसेमंद कंपनीज में से एक द फेमस टाटा ग्रुप पे आधारित है। आज के वीडियो डिस्कशन में हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह आज टाटा ग्रुप सॉल्ट से लेकर सॉफ्टवेयर तक हिंदुस्तान समेत विदेशों की भी अनेक जरूरतों को पूरा कर रहा है। हम आज हर उस सेक्टर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जहां टाटा ग्रुप की मौजूदगी देखी जा सकती है। साथ ही हम टाटा ग्रुप की शुरुआत और टाटा ग्रुप के साथ जुड़े कुछ यादगार किस्सों को भी आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी GS3 के इकोनॉमी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू आईएएस में। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आज से कुछ साल पहले जब यूपीएससी एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचते मात्र थे तो उनसे ज्यादा मानसिक तनाव उनके घर वालों को हो जाया करता था, क्योंकि यूपीएससी के तो मानो जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए थे दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर जैसे इलाके। महंगी फीस, कोचिंग में आने जाने का टाइम और घर से अलग रहने का मानसिक तनाव अलग, पर इस सब के बावजूद स्टूडेंट्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था। पर आज इन सारी समस्याओं का समाधान स्टडी आईक्यू आईएएस ने ढूंढ निकाला है। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, हैंड रिटन नोट्स, डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन के लिए मटेरियल, 1-to-1 मेंटोरशिप, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड का यूज करते हैं। बैचेस की शुरुआत 11 जुलाई मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी कहानी अपने मुख्य किरदार के बिना अधूरी है। किसी कहानी को समझने के लिए कहानी के मुख्य किरदार को समझना बेहद जरूरी है। ठीक इसी तरह टाटा ग्रुप की कहानी को समझने के लिए हमें जमशेद जी टाटा की कहानी को भी समझना होगा। दोस्तों, टाटा ग्रुप के फाउंडेशन का श्रेय श्री जमशेद जी निसरवान जी टाटा को जाता है। आज फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहे जाने वाले जमशेद जी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के शहर नवसरी में एक पारसी परिवार में हुआ था। ईयर 1858 में बॉम्बे के प्रसिद्ध एल्फिनस्टोन कॉलेज से जमशेद जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और महज 19 वर्ष की आयु में अपना पूरा समय अपने पिता निसरवान जी के एक्सपोर्ट ट्रेडिंग बिजनेस को देना शुरू कर दिया। बस थोड़े से ही समय में अपनी सूझबूझ और लगन से जमशेद जी ने पिता के ट्रेडिंग बिजनेस को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दिलाई और जापान, चाइना, USA जैसे देशों में पिता के ट्रेडिंग फर्म की अनेक शाखाएं खोल दी। इस दौरान उन्हें देश विदेश में घूमने का मौका मिला जिसने उनके व्यक्तित्व को और ज्यादा निखारा। जैसे जैसे जमशेद जी की उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उन्होंने व्यापार की बारीकियों को समझा। अब पिता का समुद्र का विशाल ट्रेडिंग व्यापार भी जमशेद जी के लिए किसी तालाब से छोटा हो गया था। इसी वजह से ईयर 1868 में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाने के मकसद से 21,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट के साथ एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। 1874 में जमशेद जी ने बॉम्बे के एक छोटे से गांव नागपुर से शुरुआत की सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, जिसे आज टाटा कंपनी के फाउंडेशन पिलर्स में से एक माना जाता है।
दोस्तों, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हिसाब से जमशेद जी टाटा एक वन मैन प्लानिंग कमीशन थे। ये उनकी विजन और उनके करेज का ही कमाल था कि अंग्रेजी हुकूमत के तले दबे हिंदुस्तान में एक ऐसी कंपनी का उदय हुआ जिसने व्हाइट स्किन कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलकर अंग्रेजों को अपने व्यापार का लोहा मनवाया। तो चलिए दोस्तों, अब एक बार नजर डालते हैं देश और विदेश में फैले टाटा ग्रुप के बिजनेस की ओर और एक एक करके इन सभी सेक्टर्स में टाटा की प्रेजेंस और कॉन्ट्रीब्यूशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस ऑटोमोबाइल सेक्टर में टाटा ग्रुप को स्टैब्लिश करने का श्रेय जेआरडी टाटा को जाता है। ईयर 1945 में उनके चेयरमैनशिप टेन्यूर के दौरान टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की शुरुआत हुई थी और आज इस कंपनी को हम सब टाटा मोटर्स के नाम से बखूबी जानते हैं। आज टाटा मोटर्स एक आम आदमी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पैसेंजर कार्स जैसे कि टाटा हेक्सा, हैरियर, एल्ट्रॉज और सफारी से लेकर टाटा टेमो जैसी हाई स्पीड स्पोर्ट्स कार तक डेवलप कर रहा है। कार्स के अलावा टाटा मोटर्स ट्रक्स, बसेस और जापानीज कंपनी हिटाची के साथ एक जॉइंट वेंचर के तहत कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए जाने वाली इक्विपमेंट भी बना रहा है। अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को बढ़ाने के मकसद से साल 2004 में टाटा मोटर्स ने साउथ कोरियन ट्रक मैन्युफैक्चर कंपनी दाइवू को एक्वायर किया। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि आज जैगुआर और लैंड रोवर जैसी लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स भी टाटा द्वारा ओन की जाती है, जिसे टाटा ने साल 2008 में एक्वायर किया था। ट्रेडिशनल पेट्रोल और डीजल पावर्ड व्हीकल्स के अलावा आज टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का भी काम कर रहा है। प्रेजेंटली इंडिया में ईवी सेक्शन में टाटा की नेक्सॉन, टिगोर, एल्ट्रॉज और एस जैसी गाड़ियां शामिल है। इन सभी व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए आज देश के हर कोने में टाटा मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लोकेटेड है। नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश के लखनऊ और उत्तराखंड के पंत नगर में, साउथ इंडिया में कर्नाटका राज्य के धारवाड़ में, गुजरात और पुणे, महाराष्ट्र में और ईस्टर्न इंडिया के फेमस इंडस्ट्रियल सिटी जमशेदपुर झारखंड में, जिसका नाम खुद टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के नाम पर है। दोस्तों, कंज्यूमर और रिटेल सेगमेंट में टाटा ग्रुप के सफर की शुरुआत साल 1917 में हुई, जब जमशेद जी टाटा के बेटे दुराबजी टाटा ने बॉम्बे के अंदर टाटा ऑयल मिल्स या टॉम को एस्टैब्लिश किया। अपने शुरुआती दिनों में इस कंपनी ने सोप, डिटर्जेंट, कुकिंग ऑयल जैसे डे टू डे काम में आने वाले प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। आज भले ही हम और आप सोप या डिटर्जेंट के नाम पर डिटॉल और एरियल जैसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हों, लेकिन एक समय था जब हिंदुस्तान में साबुन के नाम पर हमाम और डिटर्जेंट के नाम पर मैजिक जैसे टॉमको के प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल किया जाता था। हमाम या मैजिक डिटर्जेंट का नाम भले ही आपने ना सुना हो, लेकिन एक ऐसी ब्रांड है जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। वो ब्रांड है लैक्मे। दोस्तों, विमेन कॉस्मेटिक ब्रांड लैक्मे की शुरुआत भी एक 100% टाटा ओन्ड सब्सिडरी के तौर पर हुई थी, जब आज़ादी के बाद ईयर 1952 में हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर सर जेआरडी टाटा ने इस ब्रांड को शुरू किया। दरअसल हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि भारतीय महिलाओं में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को लेकर आकर्षण बढ़ता जा रहा है और देश में किसी भी फेमस और भरोसेमंद विमेन कॉस्मेटिक ब्रांड की कमी के कारण विदेशों से ये प्रोडक्ट्स भारत लाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज रिड्यूस हो जाता है। इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू की रिक्वेस्ट पर जेआरडी टाटा ने लैक्मे की शुरुआत की, आज़ाद हिंदुस्तान की पहली विमेन कॉस्मेटिक ब्रांड के तौर पर। आज रिटेल बिजनेसेस में वेस्ट साइड, जूडियो, जारा और स्टार बाजार जैसी ग्लोबल ब्रांड्स में भी टाटा ग्रुप की इक्विटी होल्डिंग है। वहीं कंज्यूमर बिजनेस में गुड अर्थ टी, टेटली और स्टारबक्स जैसे ब्रांड्स भी टाटा द्वारा ही ओन्ड हैं। जहां साल 2000 में टाटा ने यॉर्कशायर, इंग्लैंड बेस्ड बेवरेजेस कंपनी टेटले का 100% एक्विजिशन किया, वहीं साल 2012 में टाटा ने सियाटल, वॉशिंगटन बेस्ड बेवरेज कंपनी स्टारबक्स में 50% होल्डिंग कैप्चर की। इन सब के अलावा वोल्टास जैसी मल्टीनेशनल होम अप्लायंसेस कंपनी और टाइटन जैसी लग्जरी फैशन एक्सेसरीज कंपनी भी टाटा द्वारा ओन्ड है। आज हमारे घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुकिंग ऑयल से लेकर घर को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एयर कंडीशनर तक टाटा अपना बेस्ट प्रोडक्ट लिए खड़ा है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज ई कॉमर्स बिजनेस और कुछ नहीं बल्कि डिजिटलाइजेशन और इंटरनेट रिवॉल्यूशन की वजह से ट्रेडिशनल रिटेल बिजनेसेस में आए ड्रास्टिक चेंज का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। वो कहते हैं ना, समय, काल और परिस्थिति कभी एक समान नहीं रहती, बदलाव जीवन का अटल सत्य है।
जो व्यक्ति इस बदलाव के साथ अपने आप को नहीं बदलता वो गुमनामी के सागर में खो जाता है। लेकिन समय, काल और परिस्थिति के साथ अपने आप को बदलने का हुनर टाटा ग्रुप को बखूबी आता है। रिटेल बिजनेसेस में आए इस बदलाव को देखते हुए टाटा ग्रुप ने भी ई कॉमर्स बिजनेस का रुख किया। आज इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर बिग बास्केट टाटा ग्रुप की ही एक एंटरप्राइज है। बिग बास्केट के अलावा ऑनलाइन फार्मा कंपनी 1MG भी टाटा द्वारा ही ओन की जाती है। ये दोनों ही कंपनीज आज अपने अपने सेगमेंट में इंडिया की बेस्ट ई कॉमर्स वेंचर के रूप में उभर कर सामने आई है और इन्हीं कंपनीज के साथ टाटा ने खुद को ई कॉमर्स बिजनेस में एस्टैब्लिश किया। दोस्तों, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड 10,577 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी के साथ इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनीज में से एक है। वैसे तो इस फर्म की शुरुआत टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी के नाम से 1910 में हुई थी, लेकिन दुराबजी टाटा ने 18 सितंबर 1919 को इस फर्म का ऑफिशियल नाम टाटा पावर कंपनी लिमिटेड रख दिया। आज टाटा पावर एनर्जी जनरेशन से लेकर रूफटॉप सोलर मॉड्यूल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर स्टेशंस जैसी ग्रीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स पर काम कर रही है। फरवरी 2017 में टाटा पावर इंडिया की पहली कंपनी बनी जिसने 1 GW तक एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले सोलर मॉड्यूल्स को इंडिया के बाहर शिप किया। आज टाटा के थर्मल पावर स्टेशंस इंडिया के वेरियस स्टेट्स में लोकेटेड हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक। ट्रेडिशनल एनर्जी जनरेशन स्टेशंस को बिल्ड करने के अलावा टाटा पावर ने नेक्स्ट जनरेशन क्लीन एनर्जी सोर्सेज की फील्ड में भी लाजवाब काम किया है। आज टाटा पावर द्वारा जनरेट की जाने वाली टोटल एनर्जी में से 30% एनर्जी सोलर और विंड बेस्ड सोर्सेज द्वारा पैदा की जा रही है और कंपनी का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों में इस परसेंटेज को 50% तक बढ़ाया जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस यानी ईवी स्टेशन जैसे नेक्स्ट जनरेशन कस्टमर सॉल्यूशंस को भी ध्यान में रखते हुए टाटा ने मुंबई के अंदर अपना पहला ईवी स्टेशन खोला और आज हैदराबाद, दिल्ली और कोलकाता जैसी सिटीज में भी इन स्टेशंस को डेवलप करने का काम शुरू किया जा चुका है। इन सब के अलावा कंपनी ने इंडियन मासेस के बीच एनर्जी कंजर्वेशन अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए क्लीन एनर्जी नाम से एक इनिशिएटिव भी शुरू किया है, जिसकी वजह से पिछले 10 सालों में 33 मिलियन एनर्जी यूनिट्स को सेव किया गया है। दोस्तों, TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी के तौर पर काम कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में TCS इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। साल 2018 में TCS $100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को अचीव करने वाली इंडिया की पहली आईटी कंपनी बनी और सितंबर 2021 आते आते कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $200 बिलियन के पार पहुंच गया। 1968 में एस्टैब्लिश्ड हुई TCS ने 1980 में पुणे के अंदर इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ओपन किया। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के मामले में TCS आज इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। दिसंबर 2021 से मिले डेटा के अकॉर्डिंग आज TCS के टोटल एम्प्लॉयज की संख्या 5 लाख से भी ज्यादा है, जो इस कंपनी को इंडियन रेलवेज, इंडियन आर्मी और इंडियन पोस्ट ऑफिस के बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मामले में इंडिया का फोर्थ बिगेस्ट यूनिट बना देता है। अगर TCS के मेजर एक्विजिशन की बात करें तो साल 2001 में TCS ने इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड CMC लिमिटेड को अपने साथ मर्ज किया। मई 2004 में TCS ने यूनाइटेड किंगडम बेस्ड इंश्योरेंस सर्विसेज कंपनी फीनिक्स ग्रुप, जिसे फॉर्मली पर्ल ग्रुप के नाम से जाना जाता था, उसके BPO यानी बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग यूनिट को एक्वायर किया। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इनिशिएटिव के तहत टाटा ने कंप्यूटेशनल रिसर्च लैबोरेटरीज की भी शुरुआत की। रिसेंटली दिसंबर 2020 में आयरलैंड बेस्ड IT सॉल्यूशंस कंपनी पैरमेरिका सिस्टम लिमिटेड का भी मर्जर TCS के साथ किया गया। दोस्तों, आज TCS अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स और इनोवेशन लैब्स के जरिए न सिर्फ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, लेकिन देश में अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन और टेक्नोलॉजी एडवांस को भी बढ़ावा दे रही है। दोस्तों, जमशेद जी टाटा के लाइफ में 4 great dreams थे। उन्हीं ड्रीम्स में से एक था इंडिया का अपना स्टील प्लांट। जमशेद जी टाटा के इस ड्रीम को उनके बेटे दुराबजी टाटा ने अपने कजन भाई RD टाटा के साथ मिलकर पूरा किया, जब उन्होंने 1907 में जमशेदपुर के अंदर टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत की। 1914 से 1918 के बीच हुए वर्ल्ड वॉर वन और 1939 से 1945 के बीच हुए वर्ल्ड वॉर टू ने स्टील एंड आयरन की डिमांड को ड्रास्टिकली इंक्रीज किया।
जिसकी वजह से टिस्को को फलने फूलने का भरपूर मौका मिला और टिस्को ने ब्रिटिश एम्पायर की लार्जेस्ट स्टील प्लांट होने का दर्जा हासिल किया। आजादी के बाद 1971 में इंदिरा गांधी सरकार ने और 1979 में जनता पार्टी ने टिस्को को नेशनलाइज करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही बार जीत टिस्को की हुई। बाद में टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील रख दिया गया। दोस्तों, आज 13 मिलियन टन्स एनुअल डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ टाटा स्टील इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट स्टील एंड आयरन प्रोडक्शन कंपनी है। नवंबर 2021 में टाटा स्टील ने TCS को सरपास कर टाटा ग्रुप की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी होने का दर्जा हासिल किया। अगर टाटा स्टील के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक्विजिशन की बात करें तो साल 2004 में टाटा स्टील ने सिंगापुर बेस्ड कंपनी नैट स्टील को, साल 2005 में थाईलैंड बेस्ड कंपनी मिलेनियम स्टील को और साल 2006 में डच कंपनी कोरस का एक्विजिशन किया। वहीं लास्ट ईयर 2021 में टाटा स्टील ने अपने कॉम्पिटिटर जिंदल स्टील को हराते हुए ओडिशा बेस्ड कंपनी नीलाचला इस्पात निगम लिमिटेड का मर्जर टाटा स्टील के साथ किया। स्टील एंड आयरन प्रोडक्शन के अलावा आज टाटा दूसरे वेरियस मेटलर्जिकल ओर्स के एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के काम भी कर रही है। इन मेटल्स को सप्रेस करने का काम टाटा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी टाटा केमिकल्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। आज टाटा केमिकल्स और सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे एलिमेंट्स के प्रोसेसिंग का काम कर रही है। टाटा केमिकल्स लिमिटेड की मेजर सब्सिडरीज की बात की जाए तो यहाँ ब्रिनर मॉन्ड, रैलिस इंडिया लिमिटेड, मगाडी सोडा कंपनी और टाटा स्वच्छ जैसे नाम शामिल हैं जो डोमेस्टिक पर्पसेस से लेकर एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल यूजेस में आने वाले केमिकल को प्रोड्यूस कर रही हैं। दोस्तों, एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस यूनिट होने के अलावा टाटा स्टील माइनिंग एक्टिविटीज के कारण होने वाले इन्वायरमेंटल इश्यूज को भी रिजॉल्व करने का प्रयास कर रही है। कंपनी कंटिन्यूसली कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। टाटा स्टील ने अपनी ब्रॉडर सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटजी के तहत 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का टारगेट सेट किया है। दोस्तों, इंडियन डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने में टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम डिफेंस सेक्टर में टाटा के इतिहास की बात करें तो टाटा और मॉडर्न वॉर्स की कहानी की शुरुआत 1 सितंबर 1939 में छिड़े दूसरे विश्व युद्ध के साथ प्रारंभ होती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटेन के पास गन्स और अम्यूनिशन जैसे सप्लाईज की भारी कमी हो गई थी, तब टाटा ही वो कंपनी थी जिसने अपने पूरे स्टील आउटपुट को जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन की मदद के लिए भेज दिया था। आजादी के बाद 1958 से टाटा ग्रुप इंडियन डिफेंस फोर्सेस के साथ जुड़ गया। मोबिलिटी कैरियर के रूप में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करने के अलावा टाटा ग्रुप ने कई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी हमारे देश की सेना को समर्पित किए। 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल वॉर में भी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ही वो कंपनी थी जिसने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डिमांड्स को फुलफिल किया था। दोस्तों, समय के साथ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बदलती हुई नीड के कारण टाटा ग्रुप ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक सेपरेट यूनिट प्रिपेयर कर ली है। साल 2007 में हैदराबाद के अंदर टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL टाटा ग्रुप की एक फुली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है जो इंडियन एरोस्पेस, डिफेंस, मिलिट्री इंजीनियरिंग, मिलिट्री कंस्ट्रक्शन और मिलिट्री टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड में काम कर रही है। अगर हम TASL का इंडियन एयर डिफेंस रिलेटेड कंट्रीब्यूशन की बात करें तो साल 2008 में TASL ने अमेरिकन कंपनी सिकोर्स्की एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर S-92 हेलीकॉप्टर्स को डेवलप किया। साल 2012 में TASL ने एक और अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ C-130 हरक्यूलिस जैसे एडवांस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग पहली बार इंडिया में शुरू की। साल 2015 में TASL ने यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप में EIDS कासा C-295 लाइट कार्गो फ्लीट पर काम शुरू किया। साल 2021 में TASL और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत TASL और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री साथ मिलकर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सर्विलेंस पर्पसेस को ध्यान में रखते हुए अनमैंड एरियल व्हीकल यानी UAVs बनाएंगे। इंडियन एयरफोर्स रिलेटेड एयरक्राफ्ट्स और कैरियर बनाने के अलावा इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत से इक्विपमेंट्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को डेवलप करने का श्रेय भी TASL को ही जाता है। अपने एस्टैब्लिशमेंट से लेकर आज तक TASL ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए 170,000 से भी ज़्यादा मोबिलिटी व्हीकल्स का डेवलपमेंट किया है। अगर हम कॉम्बैट व्हीकल्स की बात करें तो इंडिया के पहले एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को बनाने का श्रेय भी TASL को ही जाता है। कॉम्बैट व्हीकल्स के अलावा TASL ने ऐसे टैक्टिकल सपोर्ट के लिए HMV 6x6 प्लेटफॉर्म्स व्हीकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए
LPTS 713 जैसे ट्रक्स का भी डेवलपमेंट किया है। इंडियन मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी TASL का विशेष योगदान रहा है। TASL ने आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और एडवांस टाउंड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATACMS जैसी टेक्नोलॉजीज को भी डेवलप करने में DRDO का साथ दिया है। इन सब के अलावा आज TASL बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए सेंसर सिस्टम और C4I सिस्टम को भी डेवलप कर रहा है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान को सुरक्षित और सशक्त बनाने में टाटा ग्रुप का योगदान इंडिया में मौजूद किसी भी प्राइवेट कंपनी से कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पावर, स्टील और डिफेंस जैसे सेक्टर के अलावा आज टाटा ग्रुप फाइनेंशियल सर्विसेज, टूरिज्म एंड ट्रैवल, टेलीकॉम, मीडिया और ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जैसे बिजनेस में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज में आज टाटा ग्रुप द्वारा ओन्ड टाटा कैपिटल, टाटा AIG, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और टाटा एसेट मैनेजमेंट जैसी सब्सिडरीज काम कर रही हैं। आज ये कंपनीज एक कॉमन मैन को लोन्स प्रोवाइड देने से लेकर रिच एंड वेल्दी लोगों के एसेट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हैं। टाटा एंड टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो इंडियन होटल कंपनी, ताज एयर, एयर एशिया इंडिया, एयर इंडिया लिमिटेड और विस्तारा जैसी टाटा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनीज भारत और विदेशों में ट्रैवल और टूरिज्म सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। आज ताज जैसा लग्जरी 7-स्टार होटल्स भी टाटा ग्रुप द्वारा ही ओन्ड है। टाटा होटल के अलावा विवांता और जिंजर जैसी होटल फ्रेंचाइज भी टाटा ग्रुप की सब्सिडरी इंडियन कंपनी लिमिटेड द्वारा ही ओन्ड हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर में भी आज टाटा के पास एयर इंडिया लिमिटेड जैसी सब्सिडरी मौजूद हैं, जो लोगों के लिए ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल बनाने का काम कर रही हैं। दोस्तों, एयर इंडिया साल 2021 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही यूनिट हुआ करती थी, जिसे टाटा ग्रुप ने 33,000 करोड़ पेमेंट के साथ एक्वायर किया। इन सब के अलावा इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट एयरलाइन कैरियर सर्विस एयर एशिया भी टाटा ग्रुप ओन्ड ही है। दोस्तों, अगर हम टेलीकॉम और मीडिया रिलेटेड बिजनेस में टाटा ग्रुप के पार्टिसिपेशन की बात करें तो टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा टेली सर्विसेज और टाटा प्ले जैसी सब्सिडरीज एक्टिवली काम कर रही हैं। एयर इंडिया की तरह ही टाटा कम्युनिकेशंस भी पहले एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी हुआ करती थी, जिसका नाम विदेश संचार लिमिटेड था, जिसे वाजपेयी गवर्नमेंट के समय में टाटा ग्रुप ने ही एक्वायर कर लिया था। आज टाटा कम्युनिकेशंस इंटरनेट और इथरनेट जैसी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करने के अलावा डेटा क्लाउडिंग जैसी लेटेस्ट सर्विसेज भी कंज्यूमर्स तक पहुंचा रही हैं। अपने आप को ग्लोबल बनाने के मकसद से साल 2005 में टाटा ने कैनेडियन कंपनी VSNL कम्युनिकेशन को भी एक्वायर किया। दोस्तों, हिंदी में एक प्रसिद्ध कहावत है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल कटेगा। ये जमशेद जी टाटा द्वारा सच्ची मेहनत, आत्मविश्वास और देश प्रेम की भावना के साथ बोए गए उन बीजों का ही कमाल है, जिसने टाटा ग्रुप को आज बुलंदियों के शिखर पर पहुंचा दिया है। ट्रेडिशनल प्रॉफिट मेकिंग आइडिया से दूर जाकर टाटा ग्रुप ने बेटर कॉरपोरेट एथिक्स और कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट के जैसे एजेंडास को भी तवज्जो दी। टाटा ग्रुप द्वारा अडॉप्ट किए गए कोड ऑफ कंडक्ट आज दूसरी इंडियन कंपनीज के लिए रेफरेंस की तरह काम कर रही हैं। LGBTQ जैसी माइनॉरिटी और सोशली थ्रेटेंड कम्युनिटीज के लिए भी टाटा ग्रुप ने विशेष प्रावधान बनाए हैं, ताकि इन कम्युनिटीज के लोगों को एक बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट के जरिए अपलिफ्टमेंट किया जा सके। और इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि अपने इतिहास की ही तरह टाटा ग्रुप का भविष्य भी उज्ज्वल है, और अपने प्रकाश से आने वाले कल में टाटा ग्रुप देश को रोशन करता रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो डिस्कशन को हम यहीं एंड करते हैं, लेकिन जाते जाते इस टॉपिक की UPSC रिलेवेंस को देखते हुए आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, जिसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा। एंड द क्वेश्चन इज, लुकिंग एट द सक्सेस ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज सच एज टाटा ग्रुप, इज प्राइवेटाइजेशन द वे फॉरवर्ड फॉर इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ इंडिया? डिस्कस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।